Dear students, Assalamu alaikum. I'm Miss Anisa, Islamia teacher of class 7. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 20. और lecture number 19 में जो इससे पिछला lecture था हमने statements पढ़ी थी 11 से लेकर 15 तक unit number 10 की ग़ज़वा हनैन. और ये statements मैंने आपको याद करने के लिए दी थी, यकीनन आपने याद कर ली होंगी. डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर इस्लामियात नोट्स पेज नंबर 10, सबक नंबर 10, ग़ज़वा हनैन. आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट नंबर 16 से लेकर 20 तक. 16 है स्टेटमेंट. हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से महाजरीन और अंसार को पुकारा. इनकी आवाज़ें सुनते ही मुसलमान पलट पड़े और इस जांबाजी के साथ लड़े के जंग का रुख ही बदल गया. हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान जंग अल्लाह से दुआ की, फिर मुट्ठी भर मट्टी ली और इस पर शाहतुल वजू इनके चेहरे पर रुसवा हो गए पढ़कर कफार पर फेंकी. अल्लाह ताला ने ये मुट्ठी भर मट्टी हर काफिर की आंखों में डाल दी और कफार भाग निकले. स्टेटमेंट नंबर 17 है हनान के शिकस्त खुर्दा कफार कुछ ओतास में और कुछ ताइफ में जमा हो गए. स्टेटमेंट नंबर 18 है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद साहबा इकराम के साथ मिलकर ताइफ का 20 दिन तक मुहासरा किया. जब कोई मुज़ाहमत ना हुई तो मुहासरा उठा लिया गया. स्टेटमेंट नंबर 19 है हनैन के माले गनीमत में 20,000 ऊँट, 40,000 बकरियाँ और 4,000 ओकिया चांदी और 6,000 कैदी भी थे. स्टेटमेंट नंबर 20 है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के बारे में कई दिन तक फतिया का इंतज़ाम किया, लेकिन जब कोई छुड़ाने नहीं आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरई असूलों के मुताबिक माले गनीमत मुसलमानों में तकसीम कर दिया. जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की इस नाजुक हालत को देखा तो अपनी सवारी से उतरे और उन्होंने फरमाया, एक जलाली लहजे में उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इसका पैगंबर हूँ. इस वक्त हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हा ने आपका हुक्म सुना, आपकी इस बात को सुना और आपने हुक्म दिया, महाजरीन और अंसार को पुकारा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर महाजरीन और अंसार को पुकारा और वो आवाज़ सुनते ही मुसलमान पलट पड़े, यानी कि सारे महाजिर और अंसार इकट्ठे हो गए और इस जांबाजी और बहादुरी के साथ जंग की. उन्होंने लड़े इतनी बहादुरी के साथ काफिरों से कि जंग का फिर रुख ही बदल गया. जो मुसलमान हार रहे थे वो जीतते हुए नज़र आना शुरू हो गए. और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के दौरान कुछ मट्टी ज़मीन से उठाई और उस पर एक दुआ मांगी, कुछ पढ़ा, शाहिद वजू इनके चेहरे रुस्वा हो गए. इसका मतलब था कि इनके चेहरे रुस्वा हो गए. ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी पर पढ़ा और पढ़कर कफार पर फेंक दी. कफार जो लड़ रहे थे उनके ऊपर वो मिट्टी फेंक दी. अल्लाह की मदद क्या हुई कि ये मिट्टी जो थी वो हर काफिर की आँखों में जाकर पड़ गई और इस तरह से कफार वहाँ से भाग निकले. उनके पास हिम्मत ही नहीं थी कि वो फिर मुसलमानों का मुकाबला कर पाते. इस तरह हनैन की शिकस्त खुर्दा कफार कुछ तास और कुछ ताइफ में जमा गए. जो जिनको शिकस्त हुई थी कफार को उसमें से कुछ ओतास में चले गए और कुछ ताइफ में चले गए, वहाँ से भाग निकले थे ना वो. फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के साथ मिलकर ताइफ का वहाँ पर ताइफ में रुके 20 दिन तक वहाँ पर मुहासरा किया कि शायद कोई मजम्मत के लिए आए या फिर कोई देखने के लिए आए कि दोबारा से कोई जंग का ना बने सीन. इसीलिए वहाँ पर 20 दिन तक इंतज़ार करते रहे. हनैन की जंग में जो माले गनीमत मिला उसमें 20,000 ऊँट थे, 40,000 बकरियाँ थीं
और 4,000 ओकिया चांदी और 6,000 कैदी भी शामिल थे, 6,000 कैदी थे जो उसमें मिले थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के बारे में कई दिन तक फतिया का इंतज़ार किया, यानी कि शायद इनको कोई वापस लेने आ जाए, इंतज़ार करते रहे कई दिन तक। लेकिन जब कोई भी उन्हें छुड़ाने के लिए नहीं आया, पीछे से कोई भी नहीं आया उनको लेने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरई असूलों के मुताबिक जो भी हमारे इस्लाम में था उसको देखते हुए माल गनीमत जो भी हम जमा हुआ था वो मुसलमानों में तकसीम कर दिया बराबर। ठीक है बच्चों, आज हमने स्टेटमेंट 16 से 20 तक पढ़ी है गज़वा हनैन की, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। होमवर्क है आपका स्टेटमेंट नंबर 16-20 जो भी पढ़ी हैं इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। लेक्चर नंबर 21 जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हमने लास्ट इसकी चैप्टर की स्टेटमेंट पढ़नी है 21 से लेकर 24 तक इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।